छोटे छोटे टेडीज बेच के आप अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हो, और इसकी मार्जिन वगैरह भी काफी ज्यादा होती है। आप ये भी कर सकते हो। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज का जो आइडिया है दोस्तों वो ऑनलाइन नहीं है। मुझे बहुत से मेल आए और Instagram पे मैसेज भी आए। ये लॉकडाउन के चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, बहुत लोगों की क्या है जॉब चली गई है और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि घर कैसे चलाए। तो वो आज का जो वीडियो है इसी लिहाज से बनाया गया है कि ये छोटे छोटे बिजनेस हैं, मैं एकदम जो कि बहुत ही छोटे लेवल पर आप बिल्कुल भी ज़ीरो रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो मैंने एक मार्केट में गया, रिसर्च किया और आपके सामने एक छोटे से बिज़नेस लाया, स्टार्ट टू फिनिश दिए, काफ़ी अच्छे बिजनेस है। आपको देखिए, अगर आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे ही ये नौबत आई है या फिर किसी एक स्टेट पे ही आई है, ये पूरे दुनिया पे संकट है। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट है और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वो लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनकी बहुत से आशा आकांक्षाएं थी कि अभी एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, ऑर्डर्स आएंगी तो हम लग जाएंगे। तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी समझ सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपको कूल रहना है, बिल्कुल आपके पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत से स्टूडेंट भी मुझे मिले हैं कि अभी तो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले थे और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, तो पूरा थस मस हो गया। सेम गोज़ टू रेलवे एग्ज़ाम जो ग्रुप डी की थी, बहुत सारे 1,00,000 वैकेंसीज थी, तो वो भी हो गए। तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6-7 महीने ऐसा समझो कि पोस्टपोन हो गई, ठीक है। बात आज की वीडियो की करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि जिनके खाने के लाले पड़े हुए, ठीक है। तो आज के जो 3 बिजनेस है आपने देखना है, आप 0 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे जहाँ पे ये वीडियो बनाया है अकोला विदर्भ में आता है, तो वहाँ पे अकोला में क्या है, COVID-19 के जो पेशेंट है वो काफ़ी तादाद में है, तो हमें शूट करने में काफ़ी दिक्कत आई है। वहाँ पे पुलिस तैनात थे और एक एटमोसफियर अलग था कि आप वीडियो नहीं बना सकते। तभी भी हमने बनाया है, हमारे जो कैमरामैन थे उन्होंने कैमरा थोड़ा हिलाया है और थोड़ा एंगल जो है वो ठीक नहीं आया, तो वीडियो में थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अच्छे वीडियो ओवरऑल अच्छा बना है, तो आपने वो तीनों भी बिज़नेस देखना है और उसमें आपने अमल करना है। देखिए आपको शर्माना नहीं है, अगर आपको सर्वाइव करना है ना तो आपको शर्माना नहीं है। कौन से बिज़नेस छोटे बिल्कुल भी नहीं होते, और आप इस कंडीशन में आप ही खुद ही ट्राई करिए किसी कंपनी में जॉब के लिए। जॉब नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत से कंपनियां हायर कर रहे हैं फ्रीलांसर को, आपको क्यों करेंगे वो, आपको क्यों देंगे 15-20 हज़ार रुपये जो कि 5,000 में काम हो रहा था। ये तरीके ढूंढने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को ब्लेम करके, इसको ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है, अभी तरीके ढूंढने चाहिए। तो वही तरीके मैंने आपको बताया। आपको पता है कि अमेरिका में जो मिलियनर्स बिलियनर्स जो लोग होते हैं उनके जो लड़के होते हैं वो पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और पार्ट टाइम जॉब कौन सा रहता है, गार्डन में काम करना, कार वॉशिंग करना। तो उनको क्या है, वो तो उनके माँ बाप तो करोड़पति खरबोपति है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में बहुत ही एटमॉस्फेयर अलग है। एक छोटे से भी किसी के माता पिता जॉब करते होंगे तो वो लड़का तो ऐसे ट्रीट करता कि पूरे पैसे ही उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। सभी नहीं रहते हैं, मैं एक एग्जांपल दिया। तो ठीक है, बहरहाल आज स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो देखिए, और आप जो भी कंडीशन, जो भी क्रिटिकल कंडीशन में जो कि सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो ज़रूर इस बिज़नेस को करिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जो बिज़नेस के, आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट उसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी नेक्स्ट जो बिज़नेस है दोस्तों, ये टेडी बेयर का बिज़नेस है। ये इसमें इतनी ज़्यादा मार्जिन है कि आप बोल नहीं सकते। देखिए ये जो बिज़नेस है रोड पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो बिज़नेस है दोस्तों, आप रोड पे भी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे छोटे टेडीज बेच के आप अच्छा खासा बिज़नेस रन कर सकते हो, और इसकी मार्जिन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप ये भी कर सकते हो, आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये टेडी है, जैसे कि ये 100 रुपये में 50 रुपये में आपको मिल जाता है, और ये आप 500-500 रुपये में बेच सकते हो। यानी ये इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट है। जिसमें ये टेढ़ी हो गया, ये छोटे हो गए, ये बड़ा टेढ़ी हो गया, ये डॉल्स हो गए, ये हार्ट्स हो गए। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और अभी तो काफ़ी तादाद में बढ़ने वाली है, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपका इसको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए कि ये कहाँ से मिलता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप जिस भी सिटी में हो वो कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखिए ऐसे पिलोज़ हैं,
मैं अभी अकोला के गांधी रोड पे हूँ, आसिम जी की शॉप पे हूँ। यहाँ पे अगर आपको डिटेल जानना है तो आप जो भी अकोला के आजू बाजू में रहते हो, अकोला से एक छोटी सिटी है, विदर्भ में आती है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है। आजू बाजू के जितने भी खेड़े वगैरह हैं सब यहाँ पे आते हैं। तो आप आसिम जी को यहाँ पे आ सकते हो और पूछ सकते हो कि इसका क्या रेट है और कहाँ से ये मिलता है, और आप बिज़नेस स्टार्ट बिल्कुल भी कर सकते हो। आसिम जी से बात करेंगे कि कौन सी वैरायटीज इनके पास में है। तो आपके पास में आसिम जी कौन कौन सी वैरायटीज है? सर हमारे पास सभी प्रकार की वैरायटी है। हाँ। जैसे कि आप लोगे अगर हार्ट शेप में है, डोरीमोन है, नॉडी है, डॉग है, मदर डॉल है, एलिफेंट है, स्माइल है। अच्छा। और वैसे फैंसी टॉयज जो आते हैं, जो कंपनी के जो टॉयज रहते हैं सर, ये कम रेट में मिलते हैं। वैसे 500 का शॉप में रेट है इसका। हाँ। फिलहाल हमारे पास 250 का इसका रेट है। अच्छा। और जैसे आप ऐसे इम्पोर्टेड अगर आइटम लोगे सर, हाँ, अपने पास में ये 400 का कम से कम कंपलसरी इसका शोरूम में रेट है। अपने पास सिर्फ सर 200 में मिलेगा। प्लस जैसा जैसे ये लेंगे आप, ये 100 रुपीज़ की डॉल है। अच्छा। ये 100 रुपीज़ डॉल है, सिर्फ 60 रुपीज़ में अपने पास मिलेंगी सर जी। और ऐसा गोरिल्ला है, ऐसा सादा मंकी आता है सर। अच्छा। ये मंकी लेंगे सर आप 75 का है, और ये गोरिल्ले लेंगे सर 200 में। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज है। अच्छा। तो ये जो माल है हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं? जी सर, बेच सकते हैं। और मेरा ये आपसे कहना है कि अभी जो लॉकडाउन में ये वीडियो का मकसद ही ये है कि बहुत सारे जो बेरोजगार बैठे हैं, क्या वो ये बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं ना। तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि ये माल कहाँ से मिलता है वगैरह। बिल्कुल कर दूंगा सर। तो आप मुझे बताइए आसिम जी कि ये जो माल है ये आपने कहाँ से उठाया? सर ये दिल्ली से उठाया मैं। अभी तो फिलहाल मार्केट में माल है नहीं अवेलेबल। अच्छा। फिलहाल दिल्ली से जो पुराना मेरा स्टॉक था वो अभी जो अगर करंट में मार्केट अगर आ गया तो हम दिल्ली से बुला के उसको माल को हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है? सर कोई भी कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है, बड़ा बिजनेसमैन भी कर सकता है। ऐसा कुछ बिजनेस का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। ये देखो सर, बताइए ये जो पीस है सर, इसका ये आप लीजिए। ये देखिए ये बड़ा पांडा है, इसकी काफ़ी तादाद में क्रेज़ है मार्केट में, ठीक है। ये इसको आप बहुत ही अच्छी खासी मार्जिन पे आप इसको बेच सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताएंगे आसिम जी कि ये बड़े बड़े जो हैं आपको कैसे बेचने हैं, ये कहाँ से मिलेंगे ये भी आप बताएं। तो ये जो बड़े बड़े टेडीज़ हैं, हाँ सर, तो इसकी मार्जिन है अच्छी? जी सर मार्जिन है इसके अंदर, पर कैसे रेट इतने में रखना पड़ता है। अच्छा। कस्टमर को अगर ये शॉप में जाता है अगर ये 5 फुट का टेडी है सर। अच्छा। अगर आप इसको शॉप का बड़ा रेट रहता है और प्लस ये लेंगे सर तो ये 1800 रुपये का मिलेगा, 2800 रुपये, 1800 रुपये तक के आते हैं इसमें साइजेस। अच्छा अच्छा। ये 6 फुट का साइज़ है। अच्छा। हाँ, और ये पैंडे के साथ तो ज़्यादा डिमांड है सर इसमें, जैसे छोटा पैंडा ले लो आप। हाँ। ये बड़ा पैंडा ले लो, ये पैंडे। तो ये देखिए ये जो पैंडाज आप देखते हो कार्टून में, इसके काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी डिमांड है। आप ये छोटा मोटा करके देखिए, डोरेमोन है, जितने भी छोटा भीम है। इसकी क्या है, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में मार्केट में लोगों की गर्दी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, तो आप एक छोटे से रास्ते पे भी ये स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपका जो भी एरिया है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी वेज है मैंने आपको बताया, तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, आप बिज़नेस कर सकते हो। दूसरा बिज़नेस है दोस्तों, आप नारियल पानी का बिज़नेस भी कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। देखिए अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो आपको जो तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो नारियल पानी का बिज़नेस है, आप किसी भी हॉस्पिटल के सामने या किसी भी ग्राउंड के सामने या सवेरे भी बेच सकते हो, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो आप वहाँ पे भी बेच सकते हो, काफ़ी अच्छा इसमें भी मार्जिन है। मैंने भैया से बात करी, उन्होंने कहा कि आप अच्छा अगर करते हो तो दिन में आप 500-600 रुपये निकाल सकते हो, जो कि बहुत है अभी जो क्रिटिकल कंडीशन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये नारियल पानी का बिज़नेस भी एक आपके लिए एक ज़रिया बन सकता है, आपके जो भी लॉस हुआ है, बहुत से लोगों की नौकरी गई है, तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियली उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हो और अपने जो भी एक साल का जो भी रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हो, या जो प्रॉफिट आपने गवाया है या जो लॉस आपने आपको हुआ है तो उसको वो आपका निकल सकता है। तो ये भी एक तरीका काफ़ी अच्छा है नारियल पानी का बिज़नेस है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आप सब्जी यहाँ पे सब्जी के एक छोटा सा ठेला भी लगा सकते हो, आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। देखिए इस तरह से, जैसे ये आलू, इन ये साहब आलू बेच रहे हैं, ये प्याज बेच रहे हैं, ये लहसुन बेच रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया है और इन्होंने अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा ऊंच नीच बिज़नेस में हो गया था, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भैया हमें बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं तो वो ये छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भैया दिक्कतें इतने, आपको भी पता है कि जो पढ़े हुए इंसान, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको भी यानी जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा यही इस वीडियो का मकसद है कि ये छोटा मोटा करके भी आपका घर भी चला सके तो बहुत हो गया, तो थोड़ी सी हेल्प आप हमारी कर दीजिए। तो ये जो बिज़नेस है भैया,
ये कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है, एक महीना हो गया शुरू करने के लिए। अच्छा, तो लॉकडाउन के पीरियड में आपको कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर खर्चा अच्छा आराम से चलता हूँ। आप गिराए आपका हैंडल 30 रुपए किलो, 30 मतलब घर चला सकते हो उसमें, घर चला सकते है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास क्रेडिट नहीं है, यानी ये खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो कोई क्रेडिट पे माल दे सकता है अपने को? हाँ, मिल जाता ना माल, किससे मिल जाता है, थोड़ा हर सिटी में माल मिल जाता है। 20 रुपए नफा देना पड़ता है, 20 रुपए नफा देना पड़ता है ना। और ये जो ठेला है, ये सेटअप है, ये भाड़े से मिल जाता है, भाड़े से मिल जाता है। और जैसे 10,000 में स्टार्ट हो सकता है कोई बिजनेस? 5,000 रुपए। अच्छा, 5,000 में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों देखिए, और मेरा मानना यही है कि घर पे बैठे हैं आपके बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां भी हो चुकी है लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे? आप ये भी कर सकते हो ना, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। तो जैसे कि लॉकडाउन के बाद में कितने दिन हो गए आप यहाँ पे ये कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो? एक महीना हो गया। तो गिराई वगैरह आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई साहब क्या क्या बेचते हैं। आलू बेचते हैं, ये अदरक बेचते हैं, वो प्याज है वहाँ पे, आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई रूल है भैया, जैसे कि अभी तो यहाँ पे ये मार्केट में जैसे आपकी ये परमानेंट जगह है तो किसी को जगह नहीं मिल रही, यानी तो एक छोटा सा वहाँ पे ठेला रख के किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ खाली जगह रही वहाँ पे अभी लगा सकते, वैसा अभी खाली है ऐसा बाजार में जगह, और क्योंकि इसमें कैसा एक्सचेंज भी कर देते थोड़ा सा साइड में, है ना। तो मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और जैसे यहाँ के जो बिजनेस रूल वगैरह कुछ रहते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा रूल कुछ नहीं है, कोई बिजनेस रूल वगैरह ऐसा ले सकते हो। यहाँ पे पैज है, आपको कुछ नहीं करना है, पैज भी आप ले सकते हो। ये भाई साहब आलू बेच रहे, देखिए ये आलू का आपका स्टार्टिंग में आप सिर्फ यहाँ के एक आलू ही बेच सकते हो, या फिर प्याज ही बेच सकते हो, या फिर लहसुन ही बेच सकते हो। आपका अगर बजट नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। ये काफ़ी आसान तरीका है, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे बात करना है। इन लोगों ने बोला कि 5,000 में स्टार्ट हो जाता है, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती गई। तो अभी एक दूसरा बिजनेस है, ये टमाटर का, टमाटर भी आप बेच सकते हो। ये भाई साहब है, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेल। ये मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब हमको बताएंगे कि ये टमाटर का बिजनेस ये कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं सर आप? ये मैं तो अभी 10-12 साल का है। ये 10-12 साल से कर रहे हैं? मेरा अबू भैया, इनके वालिद साहब थे, वो भी ये बिजनेस यानी ये चलता आ रहा है आपका, है ना, चलता है। तो मोहम्मद साहब, हमारा जो चैनल है वो लोगों को ये सिखाता है कि आप छोटे मोटे बिजनेस करके भी अच्छा खासा यानी अपना घर चला सकते हो, तो उस लिहाज से वीडियो बनाया गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत से लोगों के जॉब गए हैं, लोगों को खाने तक के पैसे नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। तो मतलब जैसा जो कमाई मतलब पेमेंट में है वो भी इसमें भी निकल जाती है। ये बोल रहे हैं कि बिजनेस में आप खुद का कर सकते हो, ना कोई मालिक है ना को, और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको कोई भी कंपनी 5,000 के लिए भी नहीं पूछ रही है, तो काफ़ी अच्छा ये तरीका हो सकता है। और कितने में स्टार्ट हो जाएंगे ये सर? ये तो जैसा माल तो ऐसा मिल जाता है कि जो दलाल माल देते हैं वो सुबह देते हैं और शाम में बेच के फिर उनको पैसे, यानी क्रेडिट पे भी आप ले सकते हो कि सवेरे आओ बेचो अपना माल लेके बेच दो और उनके पैसे दे दो, अपना प्रॉफिट रख लो। माल के भाव पे जैसा जो भाव रहा तो 1,000 रुपये में भी दुकान लग जाती है, और ज़्यादा भी 5-10 हज़ार में भी। देखिए 5,000 में भी स्टार्ट, 5,000 में भी स्टार्ट हो, माल देख कर माल, तो 5,000 में भी स्टार्ट ये हो सकता है। तो आप ये ज़रूर करिए, ठीक है।